आज मेरे किचन में बन रहा है आलू के फरे। ये बहुत ही टेस्टी होता है और बहुत ही हेल्दी होता है। चलिए बनाते हैं आलू के फरे, देखते हैं कैसे बना रही हूँ मैं इसे। इसके लिए मैंने लिया है चावल का आटा, बॉइल्ड आलू जिसे मैश कर लिया है, प्याज बारीक कटा हुआ, अदरक बारीक कटा हुआ, नमक, हरा मिर्च बारीक कटा हुआ, लहसुन बारीक कटा हुआ, आमचूर पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर। सबसे पहले हम डो तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने गुनगुना पानी लिया है और धीरे धीरे करके चावल के आटे को चम्मच से मिक्स करेंगे। पानी गर्म है इसलिए एकाएक हम हाथ का यूज़ नहीं कर सकते हैं इसमें, इसलिए धीरे धीरे पहले गर्म पानी डालेंगे, उसके बाद इस तरीके से गूंधेंगे हम। डो हमने तैयार कर लिया है, इसे ढककर हम 15 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। अब मैंने कढ़ाई में तेल ले लिया है, इसमें लहसुन डाल दिया, अदरक, मिर्ची, इन सबको हम अच्छे से चला लेंगे, मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें प्याज ऐड करेंगे, प्याज को हम गोल्डन भुनेंगे नमक डालकर। प्याज गोल्डन हो चुका है, धनिया, हल्दी पाउडर, आमचूर पाउडर, इन सबको मिक्स कर लेंगे हम मसाले के साथ और आलू को डाल लेंगे। आलू को मिक्स करना है मसाले के साथ, स्वाद बहुत अच्छा आता है, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। ये हमने फिलिंग तैयार कर ली है, अब हम इसे ठंडा करेंगे। डो ने रेस्ट ले लिया है, अब हम इसका हम फरे बनाएंगे। इस तरीके से गोल कर लेंगे एक पोर्शन आटे का लेकर। अब हम प्लेटफॉर्म पे थोड़ा सा आटा छिड़क लेंगे, मैंने चावल का आटा छिड़का है, और बेलकर एक छोटी सी रोटी तैयार करेंगे। हल्के हाथों से बेलना है। अब हम हाथ पे उठा लेंगे इसे और इसके ऊपर फिलिंग रखेंगे आलू के, और इसे साइड से ऐसे फोल्ड करते हुए लॉक कर लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से बाकी के फरे हमने बना लिए हैं। अब एक पतीले में मैंने पानी गरम कर लिया है, उसके ऊपर छन्नी रख लिया और एक एक करके सारे फरे को हम छन्नी के ऊपर रख लेंगे। ये हमने रख लिया है, अब इसे ढककर हम स्टीम देंगे। ये देखिए, फरे बनकर तैयार है। आप चाहें तो इसे फ्राई करके भी खा सकते हैं, लेकिन मैं आज इसे स्टीम बना रही हूँ। फरे बनकर रेडी है। ये आलू के फरे हैं, बहुत ही टेस्टी बने हैं। आप भी इसे अपने घर में बनाइए और इसके टेस्ट को एंजॉय कीजिए।